चला था, ये बाकी के सात भाई हैं जो हम लोग मिलकर, ये मेरे बड़े भाई सब रमेश जी हैं। तो सबसे पहले ये गाना डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं अजीज, मिस्टर अजय और लवेल, और मैंने हम लोगों ने मिलकर ये गाना बनाया था। तो जब हमने ये गाना, पहले भी मैं सोफी के साथ काम करना चाहता था लेकिन कुछ ऐसा वर्कआउट हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जब मेरे डायरेक्टर और हमने ये गाना सुनाया उनको, सोफी को, तो उन्होंने एक सेकेंड में हाँ बोल दिया कि यस आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग। तो वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद आपके सामने। राइट, जैन साहब, आपने भाइयों की बात की और कैसे आप सब मिलजुल के कंपनी चलाते हैं, थोड़ा पर्सनल सवाल मुझे बोले, दोस्त और भाई लोग बैचलर्स पार्टी देते हैं, आप में से किसी ने किसी को दी थी और क्या क्या हुआ था? नहीं, बता ही दो। सॉरी, हमारे टाइम में नहीं था ये अभी शुरू हुआ है ना, सो ही इज लाइक टू एक्साइटेड, ही इज लाइक अभी इसके साथ जी रहे और वापस से। करेक्ट, यू गाइस हैव टू पार्टी टुगेदर, सारे भाई लोग को जाके, है ना। थैंक यू सो मच सर। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग प्लीज, थोड़ा सा? He's like, नहीं, मेरा भाई ने कर लिया सारा काम, अभी we are good. And now, ladies and gentlemen, Mr. Dhoot from Videocon, give it up for him, ladies and gentlemen. अनिरुद्ध साहब, सबसे पहले आप, चंपक जी ने जैसा बताया हमारे टाइम में भी नहीं था, मतलब वेरी सिमिलर, लेकिन अभी ये ट्रेंड चालू होगा। और चंपक जी के साथ हमारा एसोसिएशन आई थिंक ऑलमोस्ट दो डिकेड के ऊपर, 20 ईयर। हेरा फेरी जब मतलब पहली पिक्चर आई थी जी, तो और हंगामा आई थी, तो उसमें अपना इन फिल्म मतलब ब्रांडिंग थी। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पुराना ये एसोसिएशन है, और हम लोग ने काफ़ी एड्स बनाए, साथ में काफ़ी स्पॉन्सरशिप इन फिल्म ब्रांडिंग की है। right. हमारे एकदम परिवार जैसे है ये। तो चंपक जी के साथ अभी हम लोग री एसोसिएट हो रहे हैं एक अच्छे मतलब प्रोजेक्ट में। राइट राइट। और क्रिएटिव की बात करूँ और चंपक जी की यहाँ पे हम लोग बात कर, जनरली आई एम सेइंग बैचलरेट में, है ना, सो ये इतनी इनसाइट एंड पीपल आर सो एक्साइटेड यार, टेल अस समथिंग अबाउट इट। How many bachelorettes have you crashed? Oh, okay. I'll tell you. I have crashed many bachelorettes. Whoa, yehi hai wo shakhs. Champak ji ne bola hamare time pe nahi tha. Dusra aapne bola hamare time pe nahi tha. Par mere time pe hai. To mere ko bahut khushi hai ki hum is time ke hai. Sir, aap is time ke nahi, time ke wo bhi isi time ke hai. Wo yahan bata nahi rahe is platform pe. Bachelor time ka hu. इस गाने की और इस वीडियो की बात करें प्लीज। या आई विल गिव इट टू अजय साहब, ऐसा अभी एकदम सीधे आप खड़े, मेरे को पता है सारी खुराफात आप ही की थी यहाँ पे, है ना, ये सब छुपी तमन्ना है यार। देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्या क्या है, यही तो सुनना चाह रहे थे, बिकॉज ऑल द मैन ओवर यू नो, सुना सबने, बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है वो किसी को नहीं पता, यहाँ क्या क्या हुआ बताइए, देखना, देखने पे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, देखने पे पता चलेगा। So give it up for this amazing team, ladies and gentlemen, and now let's welcome the very gorgeous, the todpod, amazingly talented Sophie. Welcome, hi, welcome, everybody. Welcome. Hi Neil, I love you for being here. Thank you. So good to see you. Hello, hello. कैसे हैं? कैसे सर? Thank you all so much for being here today. I know the weather's kind of crazy and itna acha lag raha hai for such a good turnout. So first, really tahe dil se shukriya to all the media who always supported me, and they're here again today. Yeah, it feels good with the song launch. Tell me. Right. Kaisi hai aap? Badhiya. Ha, aap give it up for her, yaar. Sab log bahut mehnat kar rahe hain. Venus ki team, hamari team, Aura Creative, your mom is there. Yeah, she's a rock star. Yeah, this album has been produced, of course, by Venus Champak ji. And there's another name on there, which is Aura Creative. Yay. For all of those wondering who that is, that's Sophie and Yasmin Chaudhary. So, yeah, we're very, very proud to foray into right. this. You know, before we talk about this single or we launch this officially, are you engaged, Sophie? Am I engaged? Do you all want me to be engaged? No, I don't. I don't. ये एक छोटा सा झटका हमने सबको दिया था. छोटा नहीं है ये, पीछे भी can see it on this big screen. Oh yes, this was the झटका, and it created quite a bit of sensation, right? That's the feedback that I got. And actually, it was just a way to kick off our campaign. क्योंकि अब जब आप गाना देखेंगे और आप सबको पता चल गया कि एक bachelorette गाना है.
तो आप सबको पता चलेगा इट्स वेरी मच इन थीम विद द सॉन्ग. ये जो मिस्ट्री मैन है ये अब इतने ज्यादा मिस्ट्री नहीं रहेंगे. बट या द रिस्पॉन्स फॉर द कैंपेन हैज बीन सो पॉजिटिव एंड सिंगल्स के लिए लोग अक्सर इतना कुछ नहीं करते हैं. पीपल डू थिंग्स फॉर मूवीज बट वी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट. सो माई अमेजिंग टीम, माई पी आर टीम एंड माई मार्केटिंग टीम ट्रिगर मैक्स, वी पुट टुगेदर दिस आइडिया. And it's worked. You know, जहाँ तक singles की आप बात कर रहे हो, there was a time जब singles were ruling, है ना? और you were there ruling the roost, I would say. ऐसे, है ना? So please, अभी बताओ, when you do the same thing now, yeah. and ये भी everybody knows कि it's a big hit, yeah. What do you have to say? Thank उस you. समय और इस समय. I don't know. I think I'm very happy कि singles का time वापस आ रहा है. It's really important to have non-film music. हाँ, अक्सर जो singles आ रहे हैं उसमें भी hero heroes नजर hero heroine नजर आ रहे हैं. तो I don't know how that makes it different to a Bollywood song. A pop song is really with the pop artists. और आप सबको वो वक्त याद रहेगा जब Euphoria, Shaan, सबके videos play होते थे and we all used to love watching them. So I've always believed we need to bring that time back. And I'm really happy that Champak Ji and Venus have supported me and Ajay and Lavi and Videocon, everybody who have that same vision ke apart from Bollywood songs, we need non-Bollywood songs. Jahan tak aise videos ka sawal hai, yeah, I think a lot of them are being made to create noise. A lot of them are, you know, going all out in a different way. Lekin mera motto hamesha yahi raha hai, to be desirable and not desperate. And wow. I think us video se aapko yahi pata chalega ki that has always been my motto with all my songs. Talking about this teaser, ye jo humne dekha tha, isme ek rock hai aapke haath mein. Ladke to pagal hue, Sophie engaged ho gayi. Ladkiyon ne bade talaq de diye. Jab meri asliyat mein engagement hogi, wo rock itna bada hoga na, tab sabki halat kharab hogi. Isse bhi bada hoga. Matlab girls are already, you know, taking their boyfriends ka craze. Jab wo hoga and I hope ke the excitement we created with this doesn't ruin the excitement for when it actually happens. Umeed ye hai ki jab meri actually shaadi hogi, aap phir bhi mere liye excited honge. Sher aaya na hoega. Haan, wo, in fact, the other day, Shridevi ma'am congratulated me. I nearly died. She said, Janvi told me you're engaged. I said, ma'am, mere gaane ke liye tha. So, yeah, it was embarrassing. But she wished me an even better husband than the mystery man. Okay, okay. Mystery man ka message hai yahan pe aap sab ke liye aur Sophie ke liye. But before that, tell me, ki ye ek bahut hi kamal ka marketing plan tha is sab ke saath, you know. Jee. Sonam Kapoor ki app pe pehli yeah. baar teaser launch hua. How was that? Yeah, I think I'm really lucky to have friends like that in the business. It's a never done before way of launching a teaser on Sonam Kapoor's app. It's a very unique thing, first of all, for a celebrity to launch another artist's song teaser. Wo hota nahi aksar. And my friends have always been so supportive. And it was a very cool, very clever thing to do because this song is fun and girly and stylish. And I think it really fits Sonam Kapoor. So it took her all of 1 second to say yes. And the response has been amazing. Unke Instagram page pe the teaser had over 150,000 views in a day. So I think that is also amazing for a single. Both yeah. of you look just gorgeous over there. Thank Anna. You. And now can we have that message apna mystery man ki taraf se jo ki aaya hua hai? Nahi, wo nahi aayega. Wo ek aur mystery man aayega, wo message wo denge. That's for sure. Koi aur aayega? Haan, shayad koi aur aayega. But there's just one thing I want to say about music and singles. लोग हमेशा हिट्स के बारे में बात करते हैं कि 20 मिलियन हिट्स एंड 30 मिलियन हिट्स. बट आई थिंक वी ऑल नो कि हिट्स खरीदे भी जा सकते हैं. मैं गाने तब से बना रही हूँ जब YouTube हिट्स होते ही नहीं थे. और हिट गाना तब होता है जब लोग पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको शादियों में प्ले करते हैं और दूर दूर से रिक्वेस्ट आती है. दैट्स व्हाट आई स्टिल गेट फॉर सॉन्ग्स लाइक थैंक यू. दैट्स व्हाट आई स्टिल गेट for songs like Babu Chel Chabila, Ek Pardesi, jo itne purane hain, and I really hope Sajan Main Nachungi ke saath yahi hoga. Sometimes people go to see a video on YouTube just out of curiosity. It doesn't mean they love the song. With my song, I hope we get amazing hits, but more than that, I hope the song spreads some joy, spreads some fun, and it's the kind of song that people will be performing on at weddings. Well, so, I'm sure inshallah. Hits bhi honge aur gana super hit bhi hoga. Thank you. So let's take a look at the teaser. Ho we jai. Must, we must. Here we go, ladies and gentlemen. All eyes on the big screen. Sajan Main Nachungi. पहले इतने प्यार से नहलाते नहीं, मैं पता नहीं कैसे कैसे नहलाया जा रहा है उस टीजर में उस व्यक्ति को, है ना? इसको लकी यार. अब आपको पता चल रहा है कि बैचलरेट में क्या क्या होता है. अभी अभी पूरा नहीं पता लगा है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा गुनगुना देंगी अगर आप, तो मजा आएगा. व्हाट डू यू गाइस से यार? शी नीड्स टू सिंग थोड़ा सा एटलीस्ट. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही. गुनगुनाना चाहिए क्या थोड़ा बहुत? द थिंग इज कि अब तक आपने देखा होगा इस कैंपेन के जरिए कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग बाय हाफ मेजर्स. तो गुनगुनाएंगे नहीं, उससे थोड़ा अच्छा ही करेंगे.
करे हो जाए. अरे यस नहीं थोड़ा जोर से हो जाए. एक सेकेंड, मैं एक महीने के लिए ड्रीम टीम के लिए क्या चले गए? तुम किसके लिए नाच रहे हो? कौन है तुम्हारा सजन? अब तक तो मेरे को लगा मैं था सजन. अब सबको पता चल गया असलियत में सजन कौन है मेरा. क्यों आप क्यों नाच रहे हो? कौन से सजन के लिए? नहीं मैं आपको सच बताऊं, अगर हर लड़की ये सोचेगी कि नाचते नाचते सजन बोलते बोलते वरुण धवन आ जाएगा तब तो मेरा गाना सुपर हिट है. No, I genuinely got very worried because हम लोग उधर अमेरिका में थे और we saw some picture कि आपकी engagement हो गई है. करण also got worried. I don't know why करण got worried, but I got worried. I said engagement हो गई, आपने बताया भी नहीं क्यों? मैं चाहती थी कि मैं सबको एक छोटा सा झटका दे दूँ. दिया ना झटका? इतना बड़ा झटका दिया कि मतलब अमेरिका से मैं इधर आ गया, इतना बड़ा झटका दिया कि दो दो माइक का इस्तेमाल करना पड़ा मुझे. बट आई थिंक बिसाइड्स दैट, आई थिंक अभी झटका छोटा नहीं बड़ा देना चाहिए हमें. आई थिंक वी शुड वॉच द होल सॉन्ग नाउ. थैंक यू वरुण. गाइस लेट्स वॉच द होल. मैं सिंगर नहीं हूं भाई. मैं तुम सिंगल नहीं हो? वी जस्ट गॉट इट. मैं सिंगरों से बहुत प्यार करता हूं पर मैं सिंगर नहीं हूं. मैं क्या? I'm saying I love singers, but I love singers, but I'm not a singer. So, अब मैं वापस घुमा देता हूँ यहाँ पे सवाल. जी. अगर वरुण को सोफी के लिए कोई ढूंढना हो इंडस्ट्री में ताकि वो सिंगल ना रहे और वो बड़ा सा रॉक आ जाए हाथ में तो कौन होगा? अरे इधर बैठे हैं मिस्टर नील नितिन मुकेश और खुद भी गाते हैं वो. I think he's got a, and he genuinely has a very very good voice. Right. And I've heard him sing in fact live also once. Huh. I've seen a lot of videos of him, but genuinely I think you all can do a duet. Yeah, I think we will plan to do a duet next after this. But Filhal, have you ever crashed a bachelorette party? Have I ever crashed? I have actually once in Mumbai only. I was with a couple of friends and we were not, there was a bachelorette going on and we were obviously not invited for it. And we just went in and someone would ask ki tum, the, I mean the girls were more uncomfortable there than the guys because it was only girls over there, so they wanted guys to be there. And, yeah. So, आप जब बैचलर के अंदर गए, आपने क्या देखा? वो अभी टीवी पे नहीं बता सकते. अच्छा, इतना कुछ ऐसा ऐसा कुछ नजारा था. I think this was too hot. इसलिए ये ऐसा हो गया. But I'm hoping, are we sorted now? Somebody को इशारा दे दो हमें. इशारा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है? Guys, do we have anything sorted over there? My goodness. घर में आके हम गाएंगे तुम्हारे फिर उसके बाद अगर अभी नहीं चलाओगे. This is amazing. Oh, it's happening. It's happening. मेहनत कर रही हैं. Okay, Varun, if you were to crash, किसका? उसका तो bachelor party होता. नहीं bachelorette, actress. Bachelorette party. I think you have to be first close enough to a person to crash it. So. घुस जाओ, आपको कौन रोक रहा है? You know, you guys are like superstars, कहीं भी पहुंच जाओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, but वो लोग गुस्सा. I think Sonam Kapoor, I could probably crash her party because she's like family and grown up with us. So. Yeah, and she agrees with me about how a bachelorette needs to be done. Yeah, she launched your song as well. She did. She launched the teaser just before you did. But everybody knows that Varun Dhawan is an amazing dancer. और मतलब yeah, and matlab I couldn't get him for my actual video, and it's amazing that he's here from my launch, straight from Dream Team. He's come here. So, jo gana hai, while you're sorting that out, thoda wo to baja do. Isko to ek minute lagega seekhne mein. Ready? Teach me the step, I'll follow you. Okay. Go. हाँ हम घर जाके बोलेंगे मम्मी मम्मी हमें पता है बैचलरेट में क्या होता है वहाँ बच्चा पार्टी भी है बहुत सारी वो भी बोलने वाले. Honestly, I think it's a fabulous video. The production values are amazing. In fact, जब मैं यहाँ से आ रहा था एंड आई थिंक चंपक जी इज ऑल्सो अवेयर. आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद वीनस. इनफैक्ट दे माई नेबर्स, बिल्कुल बाजू में ही रहते मेरे एंड दे हैव बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी फिल्म्स विद माई फैमिली एज वेल. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड लॉन्च देयर सिंगल एंड स्पेशली विद सोफी एज वेल हु आई हैव नोन सिंस द बिगनिंग ऑफ माई करियर. ऑनेस्टली आई थिंक द प्रोडक्शन वैल्यूज एंड द वे द थैंक हाउ आर यू सर. हाउ आर यू सर? I think the way the video has been shot and conceptualized and directed is... Ajay and Lavi, you guys did a killer please, job. Big hand for them, guys. Please, please, please come on stage, guys. Taliyan for Colossus, ladies and gentlemen. Ajay Lavel. Mr. Dooth, I would request you to kindly, you know, grace the occasion. Aap bhi please upanai. And Mr. Dooth is here as well, who obviously we all are very close to. Kaise ho, sir? Mr. Ramesh Jain. I just want to say two quick words. Is gaane ko choreograph kiya hai the amazing Adil Sheikh ne, who had a huge hit with Kar Gayi Chul this year. So he's done the choreography and the music director.
it means a lot to me that Mana is here today because the music director, I need your mic. Yes. The music director is a new young guy who couldn't be here today. He's, where are you? Where are you? Vikram, where are you? Oh my God, guys, this is the music director of my song. Just look at him. No one's going to believe that such a young, cool guy. Look at him. Of course, I'm going to. Mr. Girish Jain. The amazing Vikram Montrose. I want to tell you that he was actually discovered by Sanjay Dutt and he's been working on music with him. And because Sanju's love for me and Ajay and Lavi, he very kindly let Vikram debut with my song. So I'm so grateful. Mana, you have to come on stage. You have please, Mana, you have to come on stage. Big hand, please, for her, guys. Give it up for her, ladies and gentlemen. And Mr. Bhavar Jain, aapse bhi request karunga, sir, please up stage. Your views, like, first reaction. Exactly, not no comments, but yes, it's like a family video because Sophie, not many people know my children, they call her Khala. So yeah, she's Sophie Khala for my kids and he's my Rakhi brother. He is discovery of SDP. So it's like culmination of everything. It's a family video. It's nice. So now we can say that you're all set to give her a nice bachelorette party. Isse kuch milta julta? Sanju's after her forever to get married. Yeah, that's Sanju. So I, you know, because Sanju wants me to get married, maine afwa phaila di ki thode din tak wo shant rahenge. But thank you all for being here. And I think we have one last formality to complete. Are we there? You all get? Right here? Umesh ji bhi yahan par hai. Main unse bhi request karunga. Kindly grace the occasion. Sir, please. Aap bhi aaye. Also, Mr. Yogesh Lakhani is here. Yeah. So, yeah, from Bright Outdoors. Unke liye bhi taaliyan. Holding, sir. Holding. We are about to unveil the thing. Sir, holdings. Kal lag jane chahiye. And would like to thank the DOP, Mr. Ravi Yadav. Cinematographer, Ravi, Mr. Sir. Adil Sheikh. Adil, sir. And can we have my friend Neil Yogesh also up here, please? Last mein rakha tha. Achha, last mein rakha tha mera. Maine batane nahi hai. Please come up, Neil. Neil, the Mukesh, ladies and gentlemen. Neil, please be come up. Jalsama, sir, Jalsama. That's the entire super cool team. Mahesh, very dear friend of mine and very close to us all. Mahesh Bang, you have to be on stage with us. My ever elusive mother won't come, but we love you, ma. Champak ji, aapko to kholna padega. Neil, come. Repeat. I'll take the mic. Varun? Can you take my mic also? Ladies and gentlemen, give it up for Sajan Main Nachungi. और इसी सब के साथ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक मिस्टर देवेन कोटक, शिवाजी पोटे, एडिटर बलबीर गिल साहब, एंटायर टीम ऑफ वीनस, वरुण गुप्ता, ट्रिगर मैक्स, पारुल चावला, पिक्चर एंड क्राफ्ट, ब्रैंडन बज, तोसीफ शेख, सुमित, विनोद, डांसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर टीम, गिव इट अप फॉर देम वन मोर टाइम। चंपक जी बहुत टाइम से कुछ साथ में करना चाह रहे थे. सब जानते हैं कि वीनस का जो म्यूजिक कैटलॉग है वो लाजवाब है. दे हैव सो मेनी क्लासिक सॉन्ग्स. तो हम ऑलरेडी एक गाना प्लान कर रहे थे और मैं बार बार कह रही थी कि चंपक जी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू अ वेडिंग सॉन्ग. शादी टाइप का गाना होना चाहिए क्योंकि मैं इतने साल ज़्यादा स्टेज शोज करती हूँ तो मुझे पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए. व्हाट दे वांट टू हियर. तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये वाले रिकॉर्ड करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ. और अजय एंड लवी अलॉन्ग विद चंपक जी एंड विक्रम द म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने ये पूरा गाना कंसेप्चुलाइज किया मेरे बारे में सोच के कि मैं कहती हूँ कि क्लब साउंड होना चाहिए, ढोल होना चाहिए, अपबीट होना चाहिए, कैची होना चाहिए. वो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही मुझे सुनाया पहला ड्राफ्ट एंड इट वॉज अमेजिंग. तो फॉर मी द सॉन्ग इज़ नॉट अ टिपिकल फिल्म शादी टाइप का गाना. इट्स अ लॉट कूलर, इट्स वेरी मॉडर्न एंड आई रियली होप इट फिट्स परफेक्टली इनटू द इंडी पॉप स्पेस एंड इट फिट्स इनटू अ फिल्मी स्पेस.
देखिए इस गाने को लेके हम लोग इतने एक्साइटेड है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे करीबन 6 महीने से काम कर रहे हैं और इस गाने के बाद जो शूटिंग का काम आया है तो सूफी का काम ऐसा है कि वो एक चीज़ भी इतनी परफेक्शन मैंने किसी आर्टिस्ट में देखी नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया लेकिन सूफी जी का जो हर चीज़ में उनका सपोर्ट और हर चीज़ में कौन सी भी इन्वॉल्वमेंट इतना इन्वॉल्वमेंट है कि कोई भी चीज़ ज़रा से भी कहीं है तो सूफी जी और उनकी खासकर मम्मी जी दोनों मम्मी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। शी इज़ अ बिग बॉस और मतलब इस गाने को हमने तो बना तो दिया था। मैंने गाना जब मैंने और डायरेक्टर ने जब सूफी जी को ये गाना सुनाया तो उन्होंने एक सेकंड भी लगाया नहीं मुझे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैंने समझ गया कि इनको ये गाना पसंद है। और चंपक जी ने उस टाइम पे मुझे कहा था कि इस शादी के लिए मान जाओ। मैंने कहा सर इस शादी के लिए मैं मान गई, ये इस गाने के लिए मैं राजी हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शादी की बात हो रही है तो अगर कोई लड़का अगर आपको इम्प्रेस करना चाहे तो क्या क्वालिटी देखती है एक लड़का? मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की अफवाहों की वजह से सारे लड़के भाग चुके हैं, पहले ही बहुत कमा रहे थे और अब तो सारे ही भाग गए हैं डर के मारे कि सचमुच ही शादी हो रही है। तो मैं हैप्पी हूँ कि वरुण धवन ने आके अनाउंस किया कि वो बहुत खुश है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ फिलहाल। आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से व्हाट विल इम्प्रेस मी। मैं एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ तो जब होना होगा होगा, देखेंगे। अच्छा, बॉलीवुड में से ऐसा कोई एक्टर है जिसको आप चाहती है कि वो मुझे इम्प्रेस करे? कि वो मुझे इम्प्रेस करे या मैं उनसे इम्प्रेस हूँ? वरुण को छोड़कर फिर तो मैं क्या बोलूँ। आई एम वेरी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू वरुण क्योंकि ना सिर्फ उनके डैडी ने मुझे लॉन्च किया था फिल्मों में बट वी नोन ईच अदर फॉर सो लॉन्ग एंड आई थिंक ही इज अमेजिंग। इतना डाउन टू अर्थ, इतना सक्सेसफुल, ही इज एन अमेजिंग गाय। उस जैसे बहुत कम लड़के हैं इस इंडस्ट्री में और ये गाना भी थोड़ा नॉटी एंड नाइस था तो मैं चाहती थी कि जो इस इंडस्ट्री का सबसे नॉटी और नाइस लड़का हो वो ही लॉन्च करे और उसी ने किया। तो ही इज़ द ओनली वन आई केयर अबाउट हिज ओपिनियन अ लॉट एंड आई एम ग्लैड ही वाज़ हियर। अच्छा, वरुण ने क्यों फीचर नहीं किया फिर इसमें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो लॉन्च करें तो अगर वीडियो में होता तो ज़्यादा। या आई नो दैट्स वेरी ट्रू बट ही इज़ बीन अवे शूटिंग अ लॉट एंड आई थिंक या हु नोस मे बी ही विल बी इन द सीक्वल में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। How hard is it to direct me in a video? It's not very hard. She is a great singer, great performer. So we didn't have to do too much about it. She is perfect in everything. They can say this because mere jo career ka second song tha when I was about Baby. When I was still studying and I had a girl band called Samsara aur main tab yahan rehti bhi nahi thi, hamara ek hit gana aaya tha Habibi Habibi karke and they were the directors of that video also. So hamari association itni purani hai but with time everybody grows and everybody changes and I think hum sabka growth is video mein nazar aa raha hai. Singing ke liye aapko kaun inspire karta hai? Main jab choti thi to it was Nazia Hassan, main unki tarah banna chahti thi isliye mujhe hamesha pop ka shauk tha. जिस गाने पे मैंने सबसे पहले गाया था मैं 12 साल की थी, वो गाना था मेड इन इंडिया, मैंने उसके सारे बैकिंग वोकल्स किए थे। तो आई थिंक हमेशा मैं पॉप से जुड़ी रही हूँ एंड इंटरनेशनली इट्स ऑलवेज बिन बियॉन्से, मराया कैरी एंड जेनिफर लोपेज। आई बिलीव अ सिंगर शुड ऑल्सो बी अ परफॉर्मर। आई एम नॉट रियली अ फुल टाइम प्लेबैक सिंगर और एनीथिंग लाइक दैट। आई बिलीव इन द पॉप स्पेस, एक डीवा पॉप सिंगर डांसर परफॉर्मर, दैट्स माई स्पेस एंड आई थिंक मैंने उसमें अपना नाम बनाया एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट। एक्चुअली मेरी जो मॉम है मीडिया वाले उनको जानते हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं आती हैं। शी इज़ माई मैनेजर, माई पार्टनर इन क्राइम और ये वीडियो उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। So she is an integral part of this video, her ideas, the classiness, the production values, she's very much part of it. Yahan tak ke I think bahut kam producers hain jo background dancers ke kapde jaake choose karte hain. That's the kind of involvement there was because I wanted every single person in this video to look good. Aksar aisa hota hai ki artist ko lagta hai ki unko acha dikhna chahiye piche jo bhi ho, farak nahi padta, but for me every single person had to look cool, stylish
everyone had to look like this was real. ये actually मेरी दोस्तें हो सकती हैं. And together we all worked with an amazing team and everybody really did well. आप लोग ये गाना हिट करा दो तो इसके बाद एक के एक और म्यूजिक वीडियोज आएंगे और अच्छे गाने आएंगे. एंड आई प्रॉमिस दे विल ऑलवेज बी क्लासी एंड सेक्सी, नेवर चीप एंड वल्गर. ऑलवेज क्लासी एंड सेक्सी, दैट्स माई ब्रांड, दैट्स हु आई एम एंड दैट्स हाउ आई विल ऑलवेज बी. देखिए सोफी मेरी फैमिली की तरह है, इतने साल से हम लोग ये करते हैं. हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं लेकिन हमें इससे लगाव भी बहुत है. इसके लिए हम बहुत मेहनत से काम करते हैं. बहुत खूबसूरत गाना है हमारे हिसाब से. ब्यूटीफुल सिस्टम, शी इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स. इट शुड बी, इट शुड बी. पर्दा है जी की आज फ्लोर हिला दूं, सैया की आएगी बारात, नशीली होगी रात, सजन मैं नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी नाचू नाचूंगी नाचूंगी नाचू नाचूंगी. डीजे से कह दो एक बार बजाए सारी रात, सजन मैं नाचूंगी, सजन मैं नाचूंगी नाचूंगी. जी पहले जो रिंग थी वो सबको लग रहा था एक डायमंड था, तो वो एंगेजमेंट की रिंग थी. फिलहाल मेरा स्टेटस ये है लव. सो यू ऑल कैन फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ वेदर इट्स आई लव सजन मैं नाचूंगी, वेदर इट्स आई लव द पर्सन हू केम टू लॉन्च द वीडियो, और वेदर इट्स जेन्युइनली अ लव. ये आप लोग सॉर्ट आउट करो. और जब असली शादी होगी प्लीज इतना ही एक्साइटेड होना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.